हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं गौरव विश्रुत फार्म से और सामने आप देख रहे हैं ये हर्षित और ये है जी हमारी चेरी। इसको हम प्यार से चेरी कहते हैं। ये फिलीपींस इंपोर्ट टाइमेक्स की बच्ची है, डॉटर है। पूरा नाम मतलब ये जो है मैंगो सालसा की ब्लड लाइन से है, ग्रैंड डॉटर है मैंगो सालसा की। अब जिनको पता है या जिनको नहीं भी पता, चलो मैं बता देता हूँ। मैंगो सालसा जो है वो थाईलैंड का ग्रैंड चैंपियन रह चुका है, डॉटर है। और आज हम आए हैं गेस वेयर, ये है अजय प्रताप भैया यानी कि ब्लू बेल्स बीगल्स का फार्म। और हम यहाँ मिलने आए हैं आवर लेजेंडरी डॉग ब्लू बेल्स रेसिंग किलर से। किलर वैसे तो अब काफ़ी एजड हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर्स के आसपास वो हो चुका है, लेकिन मैं जब भी आता हूँ ना भाई, किलर को देख के जो सुकून मिलता है वो एक अलग लेवल का सुकून होता है। तो आज अगर मौका मिला तो मैं आपको भी दिखाऊंगा किलर। बहुत बड़ा नाम है किलर का। हमारे पास भी किलर की एक डॉटर है, आपने देखी होगी मिंटी घर पर। यहाँ देखते हैं बच्चा कैसा है। काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं भी उससे। और वो वहाँ पर, वो आप देख रहे हो, वो अजय भैया का कैनल है। यहाँ पर किलर भी है अपने और टाइमेक्स भी है, जूनियर किलर भी है और भी बहुत से डॉग्स हैं। तो आज होनी है जी चेरी की मीटिंग और यह है हर्षित। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो आज हम पहुँचे हैं यहाँ पर, तो अजय भैया तो आज फार्म पर नहीं आ पाएंगे, पर कोई बात नहीं, उनको कोई काम आ गया होगा, ठीक है। पर अभी हम आपको इनके डॉग्स दिखाते हैं, ठीक है, और मिलवाते हैं अजय भैया के अब्सेंट में, जो इस कैनल को रन करते हैं, संभालते हैं छोटू से, ठीक है। काफ़ी उनके फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, काफ़ी टाइम से अजय भैया के साथ वो जुड़े हुए हैं, कैनल को संभाल रहे हैं। काफ़ी शार्प हाथ है उनका बीगल वगैरह को स्टैक कराने में। अभी चेरी को भी उन्होंने स्टैक कराया था, आप देखना, बहुत परफेक्ट तरीके से स्टैक करते हैं। ये भैया के बाकी डॉग्स आ गए हैं, इसी में ही जूनियर किलर भी है एक, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा है जूनियर किलर, ठीक है। वो भी बिल्कुल किलर के जैसे ही बनेगा बच्चा, काफ़ी नाम कर रहा है वो भी। अभी आने वाले शो सीज़न के अंदर भैया उसको उतारने भी वाले हैं, ठीक है। ये किलर का दूसरे वाला सन है, ठीक है, जूनियर किलर। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, और इसी के अंदर वो टाइमेक्स है, ठीक है, ये भी इम्पोर्ट है, वो किलर का सन है, वो सबसे पीछे वो जूनियर किलर है, ठीक है। वैसे तो ये बच्चे सुबह शाम खुलते हैं, काफ़ी स्पेस ले रहे हैं भैया, ठीक है। बाकी और भी डॉग्स हैं भैया के पास जो इंपोर्ट हुए थे, बीच वाला है जूनियर किलर, ठीक है। टू कॉपी है ये बिल्कुल किलर की, काफ़ी नाम करेगा बच्चा ये। अभी इसकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं हुई, 2 ईयर्स के अप्रोक्स है, और ये टाइमेक्स है। और ये है अजय भैया का रोटवाइलर इंपोर्ट, ये अजय भैया ने अभी इंपोर्ट कराया था कुछ टाइम पहले ही, काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर भी है ये, ठीक है। और अजय भैया कोई चीज़ मंगवाएं और तो उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड की बेस्ट लाइन से बिलोंग करता है, डेलिस्टीन की लाइन से, ठीक है। इसके तो काफ़ी पपीज़ भी जो हैं पपी सेगमेंट के अंदर, उनको जो डॉग शोज़ हैं उनके अंदर ट्रॉफी मिली हुई है, ठीक है। तो जिस किसी भाई के पास एक अच्छी बिच है, क्वालिटी बिच है, वो अजय भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं, हम आते हैं रेसिंग किलर। ये है भैया का फेमस डॉग, इंडियन चैंपियन रेसिंग किलर, ना जाने कितनी ट्रॉफी, कितनी BOBs इस बच्चे ने अपने नाम की हुई है। फिलहाल इसकी एज 13 ईयर्स हो गई है, पर अभी भी इसका इतना नाम है कि साउथ की साइड से या कहीं नॉर्थ में भी इसके पपीज़ के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती हैं। फिलहाल भैया इसकी मेटिंग देते नहीं है क्योंकि एज काफ़ी हो गए, बहुत अच्छे से रखते हैं, सेपरेट रूम है इसका, AC लगा हुआ, सुबह शाम बंदे घुमाते हैं इसको, बहुत केयर के साथ रखते हैं भैया। हाँ, बिकन प्राइस भी इन्होंने अभी इंपोर्ट कराया था, तो वो बच्चा भी यहीं पर अवेलेबल है। कुछ बच्चों को भैया घर पर रखते हैं, एक को यहीं पर ही फार्म पर छोड़ा था, ये देखिए मानसून के सीज़न में उसका भी क्या हाल हुआ, ये देखिए कैसे फुदक रहा है, ये देखिए, हाय हाय, काफ़ी क्यूट ब्रीड होते हैं ये, इनका पपीज सेक्शन है, ठीक है। और ये अजय भैया का थोड़ा अडल्ट डॉग जहाँ पर रहते हैं उनका सेक्शन है, एक ही मिनट के लिए, छोटू भाई ने इसको चेरी को टेबल पर खड़ा किया था, तो ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से स्टैक कराते हैं,
होता है भैया किसी किसी के हाथ में। देखें ये देखें कितने सुंदर तरीके से स्टैक करा दिया, परफेक्ट, बहुत सुंदर। जिन लोगों को बीगल का स्टैंडर्ड का स्टैक का पता है वो देखते पहचान जाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से स्टैक करा है। ठीक है गाइस, वो पीछे जूनियर किलर नहीं, ठीक है भैया बहुत। तो अभी फार्म से निकले ही थे, अभी ये देखिए कितने सुंदर सुंदर गायें हैं। ये यहाँ पर पूरा जंगल में है इनका फार्म, तो ये जैसे ही फार्म से निकलते हैं तो ये दर्शन हो ही जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, आगे शेयर ज़रूर करना। ओके थैंक यू गाइज़।